स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूँ साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में। सियोल की एक बहुत फेमस जगह है म्योंगडोंग स्ट्रीट। बहुत ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस होने के कारण ये जगह महंगी भी बहुत है। इफ़ यू वांट टू डू सम सुवेनियर शॉपिंग, दैट्स व्हाट यू कैन डू देयर। और अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं, स्पेशली मीठे के, तो आप इस स्ट्रीट फूड पर ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर आप अलग अलग तरह के स्ट्रीट फूड को भी ट्राई कर सकते हैं। सियोल के बीचों बीच एक ये आर्टिफिशियल वाटर बॉडी बना रखी है। पानी इसका बिल्कुल साफ़ है, मछलियाँ भी हैं इसमें, और यहाँ पे भी आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं और इस वाटर स्ट्रीम का मज़ा ले सकते हैं। साउथ कोरिया में अभी एक स्काउट प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है जम्बोरी। तो ये जो आपको सब बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये सब उसी स्काउट प्रोग्राम का हिस्सा है और अलग अलग देशों से आए हुए हैं। अपने इंडिया से भी यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए हैं। म्योंगडोंग स्ट्रीट जहाँ पे अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये हैपनिंग है, वो बस आपको अभी सामने दिखाता हूँ। तो चलते चलते मैं थोड़ा सा थक गया था अभी, तो एक ये मैंने लेमिनेट की बॉटल ली है और एक ये ग्लास लिया आइस का, क्योंकि बॉटल ये ठंडी नहीं है। और ये जो लेमिनेट है 350 ml का, ये मुझे पड़ा 120 rupees में, 2000 Korean won, और 900 Korean won यानी कि 55 rupees में ये बर्फ़ से भरा ये ग्लास मिला है। अब इसमें इसको डालेंगे और थोड़ी अपनी प्यास बुझाएंगे, उसके बाद आगे की वीडियो को जारी रखेंगे। तो यहाँ से इस मार्केट की एंट्री होती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या मिलता है। यहाँ पे बड़ी अच्छी रंग बिरंगी ये सॉक्स मिलती हैं। मैंने भी ये सॉक्स लिए हैं अपने लिए और कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए, कुछ गिफ्ट करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बच्चों की ये स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ये सब सॉक्स यहाँ पे मिलती हैं। हाउ मच वन पीस? 2000। ओके, 2000 का एक पीस यहाँ पे है, और 2000 का मतलब होता है 120 rupees। तो 120 rupees की ये एक सॉक्स का पीस यहाँ पे मिलेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये मैडम लॉबस्टर का मीट बेच रही हैं। ये यहाँ पे एक लेमनेड की रेड़ी लगी हुई है, ये इन्होंने वैसी ही मशीन लगा रखी है जैसे हमारे यहाँ पे मशीन होती है किन्नू का जूस निकालने के लिए, वैसे ही ये लेमन का जूस निकाल के उसमें शुगर सिरप डाल के ये लेमनेड बेच रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये टोर्नेडो पटेटो, एक ही आलू को यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से बना के और ये इसको यहाँ पे फ्राई करते हैं। एक अच्छी चीज़ है, आप देखिए यहाँ पे तेल इनका जला हुआ नहीं है, साफ़ सुथरा इनका तेल है। तो इस तरीके से ये इसको यहाँ पे फ्राई करते हैं, और इसको फ्राई करके यहाँ पे ये अलग अलग यहाँ पे ये टॉपिंग्स हैं, ये चिली है, हनी है, ये अनियन है, और ये चीज़ है। कोई सा भी ये अगर आपको फ्लेवर अपने इस आलू के ऊपर लगाना है तो आप उसको यहाँ पे इनके अंदर लगा करके, किसी भी एक फ्लेवर के अंदर लगा करके उसका मज़ा ले सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये लैम्ब का मीट बेच रहे हैं, भेड़ का मीट है ये। इस तरह से यहाँ पे इन्होंने इसको रोस्ट कर रखा है। रोस्ट करने के बाद यहाँ पर इस पाउडर के अंदर आप इसको डुबो सकते हैं और उसके बाद इसको आप खा सकते हैं। यहाँ पे कुछ सुवेनियर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे कुछ की चेन्स हैं, कुछ मैग्नेट्स हैं, तो ये सब आइटम्स आप यहाँ से खरीद सकते हैं। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे एक पैन केक मिल रहा है, ये मछली की शेप में यहाँ पे पैन केक दिख रहा है। बच्चों के साथ आया था मैं जब, तो बच्चों को मैंने ये दिलवाया था। आज मैं अकेला आया हूँ सिर्फ आपको ये वीडियो दिखाने। मैं एक्चुअली जब बच्चों के साथ आता हूँ तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, बिकॉज़ उनके साथ वीडियो शूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चों को भी संभालना है और फिर वीडियो भी बनाना है। तो जब मुझे वीडियो शूट करना था तो मैं अकेले मार्केट आता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ बॉल्स मिल रही हैं, ये भी चीज़ बॉल्स हैं, ये चीज़ पटेटो सॉसेज, और ये इसके अंदर है सॉसेज। आगे चलते हैं। ये क्या आइटम है मुझे मालूम नहीं है, पर ये मुझे राइस केक दिख रहा है एक तो, और साथ में कुछ नॉन वेजिटेरियन तो लग रहा है मुझे, बट सिर्फ कोरियन में लिखा हुआ है इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑक्टोपस है, और यहाँ पर ये पोर्क बेली, तो यहाँ पे ये पोर्क की बेली का मीट है, ये पोर्क बेली मीट है, और साथ में यहाँ पे ऑक्टोपस का भी मीट है। आगे चलते हैं। ये भाई साहब यहाँ पे केकड़ों को तल रहे हैं, ये केकड़ों को तल के उनको क्रिस्पी केकड़े बना रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप ओरियो शेक का आनंद ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ये क्या आइटम है? तो ये कोरिया की ट्रेडिशनल कुकी बना रहे हैं भाई साहब,
ये बना रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये जैसे बर्फ़ की ट्रे होती है, उसके अंदर इन्होंने ये 10 पीस इसके अंदर डाले हैं बना करके, और ये 10,000 कोरियन वन का ये यहाँ पे इसको बेच रहे हैं। पीछे जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे नींबू का वो जूस निकाल रहे थे, यहाँ पे ये किन्नू का जूस निकाल रहे हैं। पर ये जो इनके जो किन्नू हैं, ये अंदर से मुझे थोड़े लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ जैसे ऑरेंज कलर के होते हैं, ये थोड़े लाल दिख रहे हैं मेरे को। और ये एक ग्लास बेच रहे हैं 6,000 वॉन का, यानी कि ये एक ग्लास है लगभग 400 रुपये का एक ग्लास जूस। और इसमें भी दो वेराइटी हैं, एक ये वेराइटी अलग है और ये वेराइटी अलग है। ये 7,000 का है और ये 6,000 कोरियन वॉन का है। ये यहाँ पे बीफ का मीट मिल रहा है, ये सारा बीफ है। और ये जो है ये चीज़ है। यहाँ ये भाई साहब बेच रहे हैं अनार का जूस, ये यहाँ पे इस तरह से अनार का जूस है। अनार का जूस का प्राइस अगर आप देखें तो 7,000 कोरियन वॉन, यानी कि अराउंड 450 रुपये। तो 450 रुपये में एक ग्लास अनार का जूस, बहुत ही महंगा है। तो ये कुछ डिश है ओकोनोमियाकी, जिसको ये इस तरीके से बना रहे हैं सामने। और प्राइस इनके सामने लिखे हुए हैं 5,000, 7,000, 7,000 और 9,000। नॉन वेजिटेरियन आइटम है ये। तो यहाँ पे बीच में तो वॉकिंग स्ट्रीट है, दोनों साइड ये स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के। बाकी दोनों साइड पे कपड़ों की दुकानें हैं, जूसों की दुकानें हैं, कॉस्मेटिक्स है, तो ये सब आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं। एक अच्छी चीज़ जो मैंने ख़रीदी है यहाँ पे, ये है एक की चेन, थोड़ा हाई क्वालिटी की चेन है यहाँ पर। ये एक की चेन है 5,000 कोरियन वॉन में। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये देखिए कि आप, ये दुकान वाला कहाँ बैठा है, दुकान वाला वहाँ बिजी है, यहाँ सामान पड़ा है, पीछे भी सामान पड़ा है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे सामान को उठा करके चलता बने। यहाँ पर कुछ आईफोन के बढ़िया बढ़िया मोबाइल कवर्स मिल रहे हैं। ये यहाँ पे मैडम एक संदेश दे रही हैं कि नो मोर डॉग और कैट। कैट का और डॉग का मीट वियतनाम में तो लोग खाते हैं और चाइना में भी लोग खाते हैं, पर कोरिया का मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ पे खाते हैं कि नहीं खाते हैं। लेकिन ये मैडम यहाँ पे खड़ी होकर के एक संदेश ज़रूर अच्छा दे रही है कि डॉग और कैट का मीट ना खाया जाए। मैं तो बोलूँगा कि किसी का भी मीट ना खाया जाए। यहाँ पर बिक रहे हैं ऑक्टोपस, ये मिल रहा है यहाँ पे पैनकेक, बनाना न्यूटेला स्ट्रॉबेरी पैनकेक। तो यहाँ पे अगर आप कॉस्मेटिक्स खरीदना चाहते हैं तो बहुत शॉप्स हैं यहाँ पर। ये यहाँ के पुलिस की गाड़ी है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में इन फिगर्स का बड़ा चलन है, बहुत ज़्यादा लोग ये फिगर्स को ख़रीदते हैं। ये बहुत सारे मूवी कैरेक्टर्स हैं, गेमिंग कैरेक्टर्स हैं। मैंने ये पिछले कुछ दिनों में देखा कि इंडिया में भी ये ट्रेंड काफ़ी चालू हो गया, अपने कनॉट प्लेस में भी ये फिगर्स काफ़ी मिल रही होती हैं। एक ये यहाँ पे की चेन मिलते हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी के की चेन हैं। 5,000 वॉन का एक मिलता है ये, और 5,000 वॉन होते हैं अराउंड 350 रुपये के आसपास। तो 350 का एक ये की चेन यहाँ पर मिलता है। यहाँ आगे कुछ लाइव म्यूज़िक परफॉर्मेंस हो रही है, तो वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे चीज़ मिल रहा है, इस तरह से ये लोग चीज़ बेचते हैं। इसको चीज़ को थोड़ा ये लोग रोस्ट कर देते हैं इस तरह से। और दिस इज़ अगेन अ वेजिटेरियन आइटम, ये यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। ये सब यहाँ पे कोरिया के कॉस्मेटिक्स मिलते हैं। यू वॉन्ट टू बाई कॉस्मेटिक्स देन दिस इज़ अ नाइस प्लेस। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, वो बार्गेनिंग भी काफ़ी अच्छे करते हैं, और यहाँ से आप कॉस्मेटिक आइटम्स खरीद सकते हैं। ये जो सामने आपको एक आइटम दिखाई दे रही है, ये 5 अंगूर है। यहाँ पे ये भाई साहब शुगर सिरप बना रहे हैं, और इन अंगूरों को ये इस शुगर सिरप के अंदर डुबोएंगे। अंत में ये इस तरीके से दिखेंगे। इसकी कीमत है 240 या 250 रुपये इंडियन रुपीज़ में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका एक पीस जो है, ये एक डंडी जो आपको दिखाई दे रही है जिसमें 5 अंगूर लगे हुए हैं, ये मिलेंगे 5,000 कोरियन वॉन के, जो कि होते हैं अराउंड 300 रुपये के आसपास। आज पता नहीं कैसे 5,000 है, दो तीन पहले मैं आया था तो ये 4,000 कोरियन वॉन का था, आज इसका प्राइस 5,000 कोरियन वॉन है। 5 अंगूर 5,000 कोरियन वॉन, मतलब अराउंड 300-350 रुपये के आसपास ये 5 अंगूर पड़ेंगे। एक ये स्वीट आइटम हमने भी खाई थी, पर बड़ी अजीब सी लगी हमें। तो हमने इसमें स्ट्रॉबेरी ली थी ये, तो ये इसके अंदर इन्होंने स्ट्रॉबेरी शेप में बना रखा है कुछ, ऊपर से ये कुछ च्यूई सा लगता है ये खाने में। एक पीस ये इसका बेच रहे हैं 4,000 में, और ये इन्होंने काट के दो पीस दिए, एक्चुअल में दो पीस हैं। ये इस तरीके से मिलता है यहाँ पे एक पीस, और ये एक सिंगल पीस ये बेचते हैं 4,000 कोरियन वॉन का। खाने में थोड़ा चुई सा आइटम लगता है, और 4,000 कोरियन वॉन का ये एक यहाँ का लोकल स्वीट है। तो बस यहाँ पर इस मार्केट का हो जाता है एंड। तो ये थी सियोल की फेमस म्योंगडोंग मार्केट। आज के इस वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।
Till then, stay safe, stay happy, and keep traveling.